मेरा कहना और मानना यह है, एसोसिएशन किशनगढ़ की जनता की भलाई के लिए हर क्षेत्र में आगे रही है और अपना फर्ज निभाया है, और जो माननीय विधायक जी ने ये बीड़ा उठाया है, हम इनके प्रति अपनी पूरी सद्भावना शुभकामना रखते हुए, और इनको आगे भी किसी भी तरह का योगदान की जरूरत हुई तो हम एसोसिएशन से इनको उपलब्ध कहीं कोई सोचने वाली बात नहीं। हम तो चाहते हैं कि जिस मनोभाव से और जिस इन्होंने अपेक्षा से बीड़ा उठाया उसमें सफल हासिल हो, सफलता मिले इनको, और गांव में जो है विकास नजर आए, स्मार्ट सिटी की ओर एक आध कदम कम से कम ये तो बढ़े, और आगे भी जो सुधार अपेक्षित होगा वो करना हम उसके लिए एसोसिएशन हमेशा तैयार। नगर में जो यातायात की व्यवस्था है, हमारा उद्देश्य है कि आम जन को यातायात की जो लाइन है उस लाइन में लाना है। हम इस उद्देश्य को लेके नहीं चल रहे कि हम इससे कोई व्यापार करना है या कमाना है। नगर की यातायात व्यवस्था सुगम हो, सुव्यवस्थित हो, इसके लिए ये प्रयास है। और सर्वप्रथम तो मैं मारवाड़ स्टेशन का बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने नगर हित में हमारे को ये ट्रेन और साधन उपलब्ध कराया है, और हमेशा इनका ये कंटिन्यू हमें सहयोग मिलता रहे। और मैं ट्रैफिक पुलिस से अपेक्षा करूँगा कि वो अपने साधनों को उपलब्ध करा दिया और नगर की यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन करने में सहयोग करें, और हमारे से और भी अन्य को सहयोग मांगेंगे तो हमेशा हम इसके लिए तत्पर रहेंगे। और ये नगर अपना है, ये शुद्ध यातायात व्यवस्था बढ़िया बने, यही काम है। सब एक्शन मोड में है और सब पॉजिटिव है, सब अधिकारी पॉजिटिव है, नगर परिषद पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव हैं। हम चाहते हैं शहर के बेहतर की यातायात से पूरी जनता को राहत मिले, इसी क्रम में ये कदम है हमारा कि हम जनता को अच्छा सुलभ यातायात उपलब्ध करा सके। इसके लिए सब प्रतिबद्ध, चाहे SDM साहब है, चाहे DC साहब है, चाहे ट्रैफिक पुलिस है, और इस चैनल के माध्यम से मैं विशेष तौर से मारवाड़ स्टेशन का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मेरे अल्प निवेदन पे इस शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रेन उपलब्ध कराई हमें। और भी कभी हमें किसी संसाधन की जरूरत पड़ेगी तो मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है किशनगढ़ मारवाड़ स्टेशन सदैव जनहित के कामों में हमेशा अग्रणी रही है और आगे भी रहेगी। नई रियायत सब खत्म हो चुका है, अब हम रियायत के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, और मुनादी के जरिए, अखबार में पैम्पलेट के जरिए, आम सूचना के जरिए और प्रेस नोट के जरिए हम लोगों को आगाह कर रहे हैं, जनता को आगाह कर रहे हैं, और जनता पूरी तरह साथ है, जनता पूरी मन से साथ है, जितनी भी सामाजिक संस्था है वो पूरी साथ है। मैं किशनगढ़ की पूरी जनता का भी धन्यवाद दूंगा और निवेदन भी करूँगा कि वो इस यातायात सुधारने की मुहिम में कदम से कदम बढ़ा के हमारे साथ चले ताकि हम इस शहर को सुंदर बना सकें। अगर यातायात ठीक होगा तो आगे की और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको हम ठीक करना चाहेंगे वो आगे से आगे हम कर रहे हैं। विधायक महोदय ने जो शहर के लिए एक मुहिम चलाई है, पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर परिषद, हम सब उनके साथ में हैं और हम स्वयं एक एक्टिव मोड में आ गए हैं। आज मार्बल एसोसिएशन के द्वारा जो क्रेन उपलब्ध कराई गई है, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मार्बल एसोसिएशन का। ये ज़रूर इस ट्रैफिक व्यवस्था को बदलने में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है, और अब कोई रियायत नहीं होगी। तो शहरवासियों को यही एक संदेश है कि हमने बहुत मुनादी कर ली, बहुत निवेदन कर लिया, अब आपसे निवेदन है कि आप स्वयं जो ट्रैफिक है उनके नियमों का पालन करें, और अदरवाइज फुल फ्री हैंड है ट्रैफिक पुलिस को कि वो एक्शन मोड में आ जाए और एक्शन ले।